ओके, सो न्यूटन ने कहा कि ये सात रंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ऐसा सनलाइट पास करने पे, और ये सभी सात रंग जो हैं इनको स्टडी करके ये पाया कि इन सभी सात रंगों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स हैं और अलग अलग वेलोसिटीज भी हैं। मतलब ये सभी सात कलर अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, इनकी वेवलेंथ भी अलग है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है, लेकिन इनको कंबाइन कर दिया जाए तो ये एक सनलाइट का बंच बना देते हैं। सो इनको स्टडी करके ये पाया कि जो इनकी फ्रीक्वेंसीज है उसमें फ्रीक्वेंसी के केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ वायोलेट कलर इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिगो, इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू, विच इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन, देन ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो, विच इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑरेंज एंड विच इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। न्यूटन ने ये देखा कि जो ये सात रंग मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की है, फिर इंडिगो कलर की, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। मतलब अगर मैं इस तरह से ऊपर जाऊं, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसीज घटती चली जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज कम होती चली जाएंगी जैसा जैसा आप ऊपर जाते जा रहे हो। और अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो क्या होगा? अब अगर फ्रीक्वेंसीज यहां से यहां बढ़ रही हैं तो वेवलेंथ को क्या होना चाहिए? वेवलेंथ को कम होना चाहिए। जिस लाइट की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ऐसा इनवर्स रिलेशन चलता है। सो आई विल से कि अगर वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी। वेवलेंथ ऑफ दिस वायलेट कलर विल बी स्मॉलेस्ट, सबसे कम होगी, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर सबसे कम है तो इससे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? आई विल से इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी इंडिगो कलर की, और इंडिगो कलर से ज्यादा वेवलेंथ होगी ब्लू कलर की, और ब्लू कलर से ज्यादा वेवलेंथ होगी ग्रीन की, देन ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ ऑफ येलो, देन वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज एंड फाइनली वेवलेंथ ऑफ रेड। अब अगर हम इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखें तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ओके, ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमने एक रिलेशन सीखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन, दिस एन इज बेसिकली सी अपॉन वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हमने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है इट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, बट ऐसा नहीं है। ये सच है लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है, कुछ चीज है जो छूट रही है, और वो ये है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाली लाइट पे भी डिपेंड करता है। किस प्रकार की लाइट, किस कलर की लाइट, किस तरह की लाइट इसमें से पास होने वाली है उस चीज पे भी निर्भर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम देखते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना बोलते हैं, 4/3। लेकिन ये जो सात कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सात कलर्स, ये सात अलग लाइट्स, ये सात अलग वेव्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 नहीं होगा। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल चेंज, उनके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। नाउ अब हमने ये तो सीखा कि हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन लाइट ऑल्सो। सो लेट अस राइट दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट ओनली
द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लाइट. जिस तरह की लाइट उसमें से पास होने वाली है उसके ऊपर भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है. नाउ अब अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें कि वायलेट हमें सबसे नीचे मिला, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो न्यूटन को लगा कि चलो हो सकता है ये गलती से मिल गया हो. तो उसने क्या करा, उसने एक और नया प्रिज्म लिया, ओके, ग्लास का ही लिया, और वापस से उसको धूप में रख के चेक किया, तो वापस से उसको सेम रिजल्ट मिला, सेम सीक्वेंस मिली. बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लाइट की रेज दिखाई दी कि सबसे नीचे वायलेट दिख रहा है, सबसे ऊपर रेड दिख रहा है. फिर उसने एक और प्रिज्म लिया, फिर एक और लिया, ऐसे करके 10-15 बार उसने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा, और हर बार उसने सेम रिजल्ट पाया कि वायलेट सबसे नीचे दिख रहा है और रेड सबसे ऊपर दिखाई देता है. तब उसने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमेशा वायलेट नीचे दिखता है और हमेशा रेड ऊपर ही दिखाई देता है. तब उसने रिजल्ट यूज किया, ये वाला फ्रीक्वेंसीज वाला, वेवलेंथ वाला. उसने सोचा कि हो सकता है इस वजह से कुछ हो रहा हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है और इसकी वेवलेंथ अलग है. देन ही फाउंड कि अगर हम इस लाइट रे के पाथ को देखें, ये जो लाइट रे ऐसी जा रही है, दिस लाइट रे वॉज गोइंग लाइक दिस, लेकिन यहां से ये रिफ्रैक्ट हुई और इसमें डेविएशन क्रिएट हुआ. अगर हम इन सभी कलर्स को ध्यान से देखें तो डेविएशन हमें कौन से कलर में, कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? हम कहेंगे सबसे ज्यादा डेविएशन हमें वायलेट कलर में दिखाई देता है. ये लाइट ऐसी जा रही है, रेड के लिए कितनी बेंड हुई, रेड लाइट भी ऐसी जाती लेकिन बेंड कितनी हुई, इतनी सी. ऑरेंज उससे ज्यादा बेंड हुई, येलो और ज्यादा, ग्रीन और ज्यादा, ब्लू और उससे ज्यादा, देन इंडिगो और ज्यादा, और सबसे ज्यादा वायलेट कलर बेंड हुआ. तो न्यूटन ने देखा कि वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है. सो ही सेड कि डेविएशन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. कि जो डेविएशन क्रिएट हो रहा है किसी भी लाइट रे में वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे. अब हम देखते हैं डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. डेल्टा, डेल्टा दो प्रकार के होते हैं. एक कैपिटल डेल्टा, वो कुछ ऐसा बनता है, और दिस इज स्मॉल डेल्टा. दिस इज कैपिटल, दिस इज स्मॉल. सो न्यूटन सेट कि क्योंकि वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसीलिए वायलेट में डेविएशन सबसे ज्यादा है. तो इस हीट साइड की डेविएशन जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, दिस डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उसमें उतना ज्यादा डेविएशन क्रिएट होगा. सो ही सेड इसके अकॉर्डिंग डेविएशन इन वायलेट कलर इज ग्रेटर देन डेविएशन इन इंडिगो, विच इज ग्रेटर देन डेविएशन इन ब्लू, which is again greater than deviation in green, which is greater than deviation in yellow, which is greater than deviation in orange, and which is greater than deviation in red color. जितनी ज्यादा frequency उतना ज्यादा deviation हमें देखने को मिलेगा. Now, refractive index की अगर बात करें तो अभी हमने कहा कि refractive index is what? It is speed of light in vacuum divided by स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं. सो ही सेड अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायोलेट कलर इज डिफरेंट फ्रॉम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। व्हाई? बिकॉज उनकी वेलोसिटी इस ग्लास में ट्रेवल करते वक्त रेड और वायलेट की वेलोसिटी में डिफरेंस होगा। वेलोसिटीज सेम नहीं होगी, वेलोसिटीज बिल्कुल अलग होगी। तो वेलोसिटीज किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, इस चीज को भी ऑब्जर्व किया। देन वी फाउंड कि वेलोसिटी ऑफ दिस रेड कलर इज हाईएस्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑरेंज कलर इज लेस देन रेड कलर, वेलोसिटी ऑफ येलो कलर इज अगेन लेस देन ऑरेंज कलर, देन ग्रीन कलर की येलो से कम, देन ब्लू कलर की ग्रीन से कम, देन इंडिगो कलर की ब्लू से कम और वायलेट कलर की इंडिगो से कम। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट एंड वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर इज लोएस्ट। सबसे कम वेलोसिटी इसकी दिखाई देगी और सबसे ज्यादा वेलोसिटी हमें इसकी दिखाई देगी, दैट इज रेड रेड कलर की। सो अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में कंपेयर करें तो वी विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ इंडिगो कलर, देन इट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ब्लू विच इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ग्रीन विच इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ येलो विच इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑरेंज एंड विच इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रेड। तो रेड की सबसे ज्यादा वेलोसिटी और वायलेट की सबसे कम वेलोसिटी। तो अगर हम इस रिलेशन को वहां पे इस्तेमाल करेंगे, c तो कांस्टेंट है, c इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट और v जो है वो वेलोसिटी है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी जैसे कि रेड की, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। जिसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी वायलेट की, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ऐसा हम इससे फाइंड कर सकते हैं। c कांस्टेंट है, ये नीचे वाली क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ये n कम होता जाएगा, अगर आप इस क्वांटिटी को घटाते जाएंगे तो ये n बढ़ता जाएगा। दिस इज अगेन यूजिंग दिस फ्रैक्शन, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप न्यूमरेटर को कांस्टेंट कर दीजिए और डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाइए तो वो जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो घटता चला जाएगा। ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि 4 अपॉन 3 को 4 अपॉन 4 से कंपेयर करें और 4 अपॉन 5 से कंपेयर करें, यू विल फाइंड 4 अपॉन 3 सबसे बड़ा है, 4 अपॉन 4 उससे कम है और 4 अपॉन 5 उससे भी कम है, क्योंकि न्यूमरेटर सबके कांस्टेंट है, बस डिनोमिनेटर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उस नतीजे से हमें ये रिलेशन देखने को मिलेगा। मतलब जब भी किसी लाइट की वेलोसिटी सबसे कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? आई विल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी हाईएस्ट फॉर वायलेट कलर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लोएस्ट फॉर रेड कलर। सो कंपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी विल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट is greater than refractive index for indigo, is greater than refractive index for blue, is greater than refractive index for green, is greater than refractive index for yellow, is greater than refractive index for orange and it is greater than refractive index for red. ये कुछ इस तरह से हमें relation देखने को मिलेगा। इन seven colors में डेविएशन के केस में ऐसा रिलेशन होगा, वेवलेंथ के केस में ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी में ऐसा, वेलोसिटी में ऐसा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ इस तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे या तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कंपेयर कर लीजिए या फिर आप कंपेयर कर लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। हम देखेंगे कि वायलेट के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसीलिए उसमें डेविएशन सबसे ज्यादा क्रिएट हुआ है। क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों में ज्यादा डिफरेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज्यादा है, तो उस केस में डेविएशन भी ज्यादा होता है, रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है।
हम ये चीज जानते हैं, जैसा कि मैं कहता हूं कि लेट से आप इंडिया में हैं, अब आप इंडिया से नेपाल चले जाइए, तो इंडिया से जब आप नेपाल जाएंगे तो आप इतना ज्यादा आपको फॉरेन वाला फील नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट पास में कंट्री है और कंट्री जो है वो लगभग इंडिया के जैसी है, जो लोग हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो खाने पीने का स्टाइल है, वो लगभग इंडिया के जैसा है। तो आई विल से कि जब आप नेपाल में जाएंगे तो आप इतना भटकेंगे नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन वहीं आप इंडिया से साउथ अफ्रीका चले जाइए, तो अब इंडिया से साउथ अफ्रीका जाएंगे तो देर विल बी मोर डिफरेंस। उनके रहने का स्टाइल अलग होगा, उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उनका खाने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, सब कुछ आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। तो जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो हम ज्यादा जल्दी भटक जाते हैं। लेकिन इंडिया नेपाल में आप इतना नहीं भटकेंगे नेपाल जाके, लेकिन साउथ अफ्रीका में आप भटक जाएंगे। तो उसी तरह से आप एक लैंड से दूसरे फॉरेन लैंड में गए तो ऑब्वियसली बात है यू विल गेट कंफ्यूज, आप भटकेंगे। तो सेम हैपन विथ लाइट ऑल्सो, लाइट के साथ भी सेम चीज होती है। लाइट अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो एयर से ग्लास में जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होता है, और अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो एयर से वाटर जाने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कम होता है, इसीलिए लाइट में रिफ्रैक्शन कम होगा। तो वी कैन राइट रिफ्रैक्शन विल बी मोर इफ डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा। तो इसीलिए वायलेट कलर में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन मिलता है और रेड कलर में सबसे कम रिफ्रैक्शन मिलता है, क्योंकि रेड कलर के लिए डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज लेस, और वायलेट के लिए ज्यादा है। दैट्स व्हाई, व्हाई बिकॉज एयर में जब ये सभी कलर्स थे इस सरफेस के इधर, एयर में जब एयर में सभी कलर्स थे तो सभी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, लेकिन जैसे ही वो ग्लास के अंदर एंटर होते हैं वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने लगता है, तो इसीलिए डेविएशन ऐसा होता है। तो हमने कहा कि व्हाइट लाइट या सनलाइट जो है वो 7 अलग रंगों से मिलकर बनी है, इसीलिए उसमें अलग अलग रंग बिखर जाते हैं जब वो प्रिज्म से पास होती है। अब प्रिज्म से पास होने में क्या हो रहा है ऐसा कि ये कलर बिखर रहे हैं, क्योंकि सब में डेविएशन अलग अलग है, और प्रिज्म क्या क्रिएट करता है, प्रिज्म डेविएशन क्रिएट करता है। क्यों? बिकॉज प्रिज्म की दोनों सरफेसेस पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों सरफेसेस पैरेलल होती तो ये सनलाइट इस तरह से डिस्पर्स नहीं होती, ये सीधा सीधा लेटरल शिफ्ट करके निकल जाती है, जैसा कि रेक्टेंगुलर स्लैब में होता है। अगर आप इस प्रिज्म को हटा के यहां पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब रख देंगे तो ये डेविएशन जो दिख रहा है, ये जो डिस्पर्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली टर्म्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नाउ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो हमें ये 7 कलर्स मिल रहे हैं विबग्योर, इनका एक्रोनिम है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दिस यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस कि ये विबग्योर होता है। ओके, तो ये जो विबग्योर फॉर्म हुआ है दिस इज बेसिकली अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, और इस बैंड को बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। लेट अस राइट इट हियर, दिस बैंड इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। इस बैंड को हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जैसे किसी को स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होती है, सो स्टैम्प कलेक्शन में आप क्या करते हो, आप बहुत सारे तरह के स्टैम्प्स को लेके एक कॉपी में चिपका देते हो, एक नोटबुक में उनको चिपका के रखते हो, सो दैट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प। उसी तरह से अगर मैं अलग अलग लाइट्स को, अलग अलग वेव्स को पकड़ लूं, उनकी फ्रीक्वेंसीज को देखूं और एक जगह रख दूं,
तो दैट कलेक्शन ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज विल बी नोन एज स्पेक्ट्रम। अब आप कहते हैं कि इसको विजिबल स्पेक्ट्रम क्यों बोला गया? विजिबल इसलिए, विजिबल मतलब जो चीज हम देख सकते हैं, तो इन सात रंगों को हम देख सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आप पूछेंगे कि क्या ऐसी भी वेव्स होती हैं जो दिखाई नहीं देती? तो आई विल से यस, ऐसी वेव्स भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। इसका सिंपल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मोबाइल। मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, पूरा दिन यूज करते हैं, लेकिन क्या अभी कभी आपने ये देखा है कि मोबाइल काम कैसे करता है, मोबाइल वर्क कैसे कर रहा है? हम कहते हैं कि सिग्नल नहीं मिल रहा। आप लिफ्ट में जब चलते हैं या आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि बात नहीं हो पा रही, सिग्नल नहीं मिल रहा। तो सिग्नल ना मिलना क्या चीज है? सिग्नल बेसिकली आपका मोबाइल जो होता है, आपका मोबाइल कनेक्टेड होता है एक टावर से, एक टावर होता है, उस टावर से मोबाइल कनेक्टेड होता है थ्रू वेव्स, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक टावर होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकता है, रेडिएट करता है, वो आपका मोबाइल कैच करता है, और आपका मोबाइल जब उसे कैच करता है तो उसके सहारे आप बात कर पाते हो, जिसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन नाम से बोलते हैं। तो ये जब आप टावर से निकलने वाली वेव्स को मोबाइल में कैच करते हो, आपको पता भी नहीं होता कि आपका मोबाइल कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहा है, वेव्स जो टावर से रेडिएट हो रही है उनको कैच कर रहा है। अब टावर से वेव्स रेडिएट हो रही है, क्या हमें दिखाई देती है? नहीं, हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर टावर से वेव्स रेडिएट होती हैं तो उन वेव्स के पास भी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी जैसे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है। इसीलिए वो वेव्स जो टावर रेडिएट करता है, दोज आर इनविजिबल वेव्स। आप घर में टीवी के लिए रिमोट यूज करते हैं, वो रिमोट को जब आप क्लिक करते हैं तो चैनल अपने आप चेंज होता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने ऐसे टीवी की तरफ रिमोट करके क्लिक करा तो रिमोट से कोई वेव निकल के वहां चली गई अंदर? ऐसा जब कार्टून्स में देखते हैं कि ऐसा एक व्हाइट कलर की एक वेव निकलती है, एक्चुअल में कभी आपने देखा है एक वेव निकलते हुए? नहीं देखा। और वैसी बात है, बिकॉज दोज आर इनविजिबल वेव्स। इस वक्त जहां आप बैठे हैं, जब आप देख रहे हैं, जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपके चारों तरफ बहुत सारी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। जो मैं बोल रहा हूं ये भी साउंड वेव्स हैं, लेकिन क्या ये आपको दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। तो इसी तरह के आपके आसपास चारों तरफ बहुत सारी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, बहुत सारी वेव्स आपके अंदर से होके भी गुजर रही हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रही, बिकॉज दोज आर इनविजिबल वेव्स। लेकिन जो विजिबल वेव्स होती है वो सिर्फ यही सात कलर्स की होती है, इसके अलावा कोई भी वेव विजिबल नहीं होती, कोई भी वेव हमें दिखती नहीं है कि ये जा रही है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी बहुत सारी वेव्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, उन सबका कलेक्शन करके मैंने एक जगह रख दिया। तो इन सभी वेव्स का जो कलेक्शन होगा दैट विल बी नोन एज स्पेक्ट्रम, और उस स्पेक्ट्रम में से जो वेव्स हमें दिखाई देती हैं उन्हें हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इट्स अ कलेक्शन ऑफ दीज सेवन कलर्स। ओके, सो यू कैन नोट दिस नाउ। तो न्यूटन ने क्या करा, ये एक प्रिज्म लिया था, इससे सनलाइट पास करी और सात रंग मिल गए। फिर उसने एक सामने एक और प्रिज्म लगा के देखा, ऐसा। जब उसने ऐसा प्रिज्म लगाया, स्क्रीन को हटा दिया, स्क्रीन को हटाने पे और ये एक नया प्रिज्म ए डैश बी डैश सी डैश उसने सामने लगाया, और फिर इसमें से इसको चेक किया, इन लाइट रेस को इसमें से पास करा के देखा और वापस से यहां वाइट स्क्रीन लगाई, तो ही ऑब्टेंड नो रिजल्ट। उसको कोई भी खास रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। उसको इस स्क्रीन पे वापस से ये सेवन कलर्स दिख गए। जब इस प्रिज्म से लाइट पास हुई तो वापस से उसको सेम सेवन कलर्स इस स्क्रीन पे दिखने लगे। तो ही सेड कि नहीं, ये कलर्स और डिस्पर्स नहीं हो सकते और नहीं बिखर सकते, तो फिर क्या करें? फिर उसने एक और दिमाग लगाया और दिमाग लगा के इस प्रिज्म को ऐसा सीधा रखने के बजाय इस प्रिज्म को उसने कुछ ऐसा रख दिया। इस प्रिज्म को उसने कुछ ऐसा रख दिया
मतलब इन्वर्टेड, ऐसा इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म, ऐसा इन्वर्टेड करके जब रखा, तो इन्वर्टेड करके रखने पे ही फाउंड कि जब ये लाइट रेस इस प्रिज्म से स्ट्राइक करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वापस से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन क्रिएट होने के बाद ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है। और जब ये इस प्रिज्म से बाहर आती हैं, सो ही फाउंड कि ये सभी लाइट रेस जो हमने 7 लाइट रेज ऐसी डाली थी, ये यहां से जाके इस प्रिज्म को स्ट्राइक करेगी, और जब ये इससे बाहर आती हैं, सो ही फाउंड कि ये सभी लाइट रेज मर्ज होके वापस से एक सिंगल लाइट रे बनाती है। वापस से एक सिंगल लाइट रे बनाती है, और अगेन यहां पे हमें व्हाइट लाइट दिखाई देती है। यू विल फाइंड कि यहां पे वापस से आपको व्हाइट लाइट दिखाई देगी। इट मींस यहां पे क्या हुआ है, आपने एक प्रिज्म रखा ऐसा, इस प्रिज्म से सनलाइट पास कराई और वो बिखर गई। बिखरने के बाद आपने एक और प्रिज्म उल्टा करके रख दिया, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इफेक्ट सनलाइट पे इधर हुआ है उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट, जस्ट उल्टा इफेक्ट यहां पे हो गया है, और उस वजह से क्या हुआ है, जो सनलाइट यहां पे बिखर के आई थी वो वापस से जुड़ गई और इस तरह से व्हाइट लाइट फॉर्म कर दी। दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। ऑफ स्पेक्ट्रम। दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो रिकॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है कि आप एक प्रिज्म को इन्वर्ट कर दीजिए तो लाइट रेस वापस से जुड़ जाएगी। अब अगर मैं आगे वापस से एक प्रिज्म लगा दूं सीधा या उल्टा कैसा भी, तो वापस से ये लाइट रेस डिस्पर्स हो जाएंगी। ऐसे मल्टीपल प्रिज्म से इसे पास करूंगा तो लाइट रेस डिस्पर्स होंगी, फिर रिकम्बाइन होंगी, फिर डिस्पर्स होंगी, फिर रिकम्बाइन होंगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सनलाइट को आपने एक बार तोड़ दिया तो अब वापस जोड़ नहीं सकते। यू कैन डू दिस, आप उल्टा प्रिज्म लगा दीजिए वापस से वो जुड़ जाएगी। नाउ दिस स्पेक्ट्रम जो हमें मिला है, ये स्पेक्ट्रम जिसे हमने विजिबल स्पेक्ट्रम कहा है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। एक होता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम, और एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम। इम्प्योर स्पेक्ट्रम में और प्योर स्पेक्ट्रम में कुछ बहुत खास डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है कि इम्प्योर स्पेक्ट्रम में ऑल कलर्स आर नॉट विजिबल प्रॉपरली। और प्योर स्पेक्ट्रम में क्या कहेंगे, प्योर स्पेक्ट्रम में ऑल कलर्स आर विजिबल प्रॉपरली और क्लियरली। बस इतना ही डिफरेंस है, प्योर स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स विजिबल होते हैं और इम्प्योर स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स पूरी तरह से विजिबल नहीं होते। जैसे कि आप एक प्रिज्म से पास करके देखिए लाइट को, यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट सारे सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे। तो जब सारे कलर दिख रहे हैं तो आई विल से दैट इज अ प्योर स्पेक्ट्रम। लेकिन जब आप रेनबो को देखते हैं, रेनबो में भी यही 7 कलर्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि रेनबो फॉर्म कैसे होता है। तो रेनबो में भी ये 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उन 7 कलर्स में से कुछ कलर ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं दिखते, प्रॉपरली विजिबल नहीं होते।
तो वो जो कलर्स प्रॉपरली विजिबल नहीं होते, तो इसीलिए रेनबो वाला जो स्पेक्ट्रम है उसे हम कहेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम, क्योंकि सारे कलर्स प्रॉपरली विजिबल नहीं। सो इसमें एग्जाम्पल इज रेनबो, रेनबो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योर स्पेक्ट्रम, और इसमें एग्जाम्पल प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से जब आप लाइट पास करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारे कलर दिखते हैं, लेकिन यहां पे प्रॉपरली सारे कलर नहीं दिखते। सो यू कैन नोट दिस।